आज है 11 जुलाई 2014 और मैं हूं इस वक्त कंपोजर अरेंजर और अकॉर्डियन प्लेयर केसी लॉर्ड के साथ हरफन मौला केसी लॉर्ड का म्यूजिक स्टूडियोज का सफर 13 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था संगीत का शौक उन्हें उनकी बहन हिला और उनके भाई बर्जर लॉर्ड को अपने पिता कावस लॉर्ड से मिला है उस दौर के हर तीन गानों में से दो में हमें लॉर्ड फैमिली की जादूगरी सुनने को मिलती है केरसी लॉर्ड ने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रयोग तो किए ही हैं ज़रूरत पड़ने पर नए इंस्ट्रूमेंट्स भी इजाद किए हैं और उनका इस्तेमाल फिल्मी धुनों को सजाने में किया है आइए बात करते हैं केसी लॉर्ड से केरसी आपको बताइए जब आपने पहली बार किसी म्यूज़िक सेशन में बजाना शुरू किया होगा तो वो पहला नया एक्सपीरियंस जो था वो क्या था किसके साथ बजा रहे थे और क्या माहौल था उस वक्त सर फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने बजाया आई थिंक नॉट आई थिंक हंड्रेड परसेंट वॉज मिस नौशान गाना याद नहीं एग्जैक्टली वाई दर जादू पिक्चर और दास्तान पिक्चर देट इज़ अराउंड लेट फोर्टी सेवन और फोर्टी एट देट वॉज द फर्स्ट टाइम आई प्लेट प्रोफेशनली आई वॉज अबाउट फोर्टीन इयर्स ओल्ड एंड द एनवाजिंग So, the first thing when I went on the studio recording set was uh, I saw two violinists, everybody is dressed normally, only two guys are in suit. No? The one was Mr. Anjali Gonzalez, and one was his partner, Dora Roh. The two, two guys are always in the violin section, always in a suit, no? Roosted suit, god no? woolen, and most of the studios were not even AC that time. So, that was very stunning, first of all, and then uh, दे व म्यूजिशन जो है बाई हार्ट म्यूजिशन लाइक इंडियन म्यूजिशन दोन राइट ऑडिशन तो उन लोग के लिए रिहर्सल भी होता था तो आई थिंक दैट नौशाद साहब के गाने के लिए छः सात रिहर्सल तो हो जाती थी ना तो so, पर रिहर्सल भी वो गैटिंग टेन रुपीज़ एंड रिकॉर्डिंग का पेमेंट वो सिक्सटी टू रुपीज़ पॉइंट फिफ्टी तो कभी कभी रिहर्सल का ज़्यादा पैसा मिलता था रिकॉर्डिंग के सेवेंटी फोर रिहर्सल एंड सिक्सटी टू फिफ्टी फोर सॉन्ग रिकॉर्डिंग दैट इज़ वन पार्ट फिल्म के लिए हुआ

मैक्सिमम यू कैन गो टिल थ्री मिनट्स टेन ट्वेंटी सेकेंड मैक्सिमम तो वी हैव टू गो टू द एच एम वी टाइम द थिंग कि कितना लंबा गाना है तो अच्छा बिगिनिंग में मुखुरा ट्वाइस है उसको एक करो तीन अंतरा एक अंतरा काट दो जस्ट टू एडजस्ट द टाइम एंड देट टाइम आई रेम एम बिकॉज आई टोल यू माई हॉबी ऑल्सो साउंड देट टाइम एच एम वी वॉज रिकॉर्डिंग ऑन वैक्स मास्टर्स ना तभी तेप नहीं था कुछ नहीं था एंड दे ओर यूजिंग वैक्स मास्टर्स वैक्स के ऊपर वेक्स डिस्क के ऊपर रेकॉर्ड होता था देट वॉज समथिंग वेरी आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ना बिकॉज आई यू आई सेट माई हॉबी वॉज साउंड ऑल्सो ना तो दिस आई फाउंड द फर्स्ट फर्स्ट सॉन्ग वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड ब्लोइंग ना यू मीन कान एक्सप्लेन इट ना दैन वी गॉट यूज टू इट न देन आफ्टर अ वॉल अदर पीपल कॉल स्टार्टेड कॉलिंग मी लाइक देट इट वन एड ऑन स्लोली 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 Another, another thing, very important thing, I still remember, I think I must have said in other documentaries also, because my school was at near Capitol, Border, near last school, where I failed twice in SSC. That was at Capitol. And uh, Nausha rehearsal used to take place at Carter Studios, Parel. So Nausha Chab's driver, I still remember his name, Chaudhary, he had a 1948 DeSoto. He used to drop me at Chichpokli station and then I used to go to VT and go late for school. So I still remember this courtesy of Mr. Noshad sending his car so I am not very late for school. And that was that through each year. No, I cannot go from here. ये जब कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर गाना, एक पर्टिकुलर म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर

પસ ગાના બનાયગે મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર મેબી મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર એસએસએમ મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર તો ખાલી વન લાઇન મેલોડી ફિર ઉસમે ક્યા કરનેગા મ્યુઝિક ગાને કે પીછે ઓબ્લિગાટો ક્યા ડાલનેગા ધેટ ઇઝ અરેન્જરズ જોબ ના ઓર બહોત નોન અરેન્જર્સ કોન કોન સે આપકો અગર ઓફર યા વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ નૌશાદ સાબ કે સાથ એક પિન્ટો કરકે થા આઈ રીમેમ્બર ધ પિન્ટો ધેન શંગજે કિશન ઓપી નાયર એન્ડ વન મોર મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર એસ સબાસ શનવાઝ હી વોઝ વેરી પોપ્યુલર ધેટ ટાઈમ ના હી વોઝ વેરી ફાસ્ટ ઓલસો सुभाष चंद कुमार दादा दादा का पिक्चर भी दिया ना तो हेमन कुमार के साथ रिजब था राम सिंह वन सरदाय जी वॉज आल्टो प्लेयर ही दिस आई थिंक दिस मच आई कैन रिमेम्बर तो जैसा कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं इनमें से ज्यादातर नाम मुझे

स्ट्रिंग सेक्शन में मोस्टली गोवा नहीं था ना उसके लिए नोटेशन वेस्टर्न नोटेशन पढ़ना जरूरी है ना आपने अपनी आ, रेगुलर अपनी जब तक के आपने काम किया तब तक अपने सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा नंबर ऑफ सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा कौन सा देखा होगा जिसमें सब बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस रहे हैं मेरे हिसाब से मैंने शुरू किया तभी मेरे को लगता है नौशाद साहब भी जास्ती यूज़ करते थे बिकॉज uh, बाद में मैंने मैंने तीन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था उसलाल भगत राम खेमचंद प्रकाश एंड श्याम सुंदर देट वेव बिफोर माई टाइम तो मैंने सुना कि खेमचंद प्रकाश यूज टू यूज़ बिग ऑर्केस्ट्रा आई डोंट नो बिकॉजरीट बुक नो बिड दिन नौशाद्रा ऑल्सो ना ये तो हुआ आपने सुना के खेमचंद प्रकाश ने यूज़ किया होगा लेकिन आप नहीं मेरे मेरी देखे हुए मैं तो ओनली नौशाद साहब दैन ने कितने, कितने बैकग्राउंड के लिए तो कभी कभी 75, 80 भी होता है ना बैकग्राउंड के लिए गाने के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना अभी कोठे का गाना होगा तो थोड़ा पचास मव्यूशन होगा कोथे का गाना होगा तो मेन सिंगर तबला दोलक एक सारंगी और कुछ लिटल बैकग्राउंड लिटल लाइट रिदम बस अगर कोठे का गाना नहीं है और डिपेंड्स क्या का गाना है क्या कभी एकदम ड्रामेटिक गाना होगा तो ऑर्केस्ट्रा बड़ा होना ही चाहिए ना बड़ा ऑर्केस्ट्रा ड्रामा में क्या नया ऐड करता है मतलब ऐसा कौन सा काम है जो 15 कर कर सकते सकते हैं लेकिन 5 नहीं 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 का सवाल नहीं। 15 के लिए क्या लिखा गया what is important है ना लाइक ऑथर विल राइट द बुक द बुक इज इम्पोर्टेंट नॉट रीडिंग द बुक रिटन द बुक तो वही अरेंजर लोग डिस्कस करते थे पहले कि सिचुएशन में क्या आने वाला है ऑल दैट एंड वो हिसाब से म्यूज़िक बनता था ना इवन गाना भी पहले सिचुएशन पहले फिक्स होता था बाद में लिरिक देखा जाता जा था बाद में मेलोडी बनती थी बाद में अरेंजमेंट होता था बाद में रिकॉर्ड होता था हम जब एक गाने को सुनते हैं तो उसमें कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमको अलग से नोटिस हम कर पाते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत ढंग से बजाए जाते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि किन मोमेंट्स पर वो इंस्ट्रूमेंट्स हमको ज़्यादा सुनाई देते हैं क्या वो बिल्कुल डेलीबरेटली ऐसे ही नहीं डेलिब्रेटली एक तो स्टाइल ऐसा हो गया था कि शहनाई बजी तो इधर शादी हो रही वहाँ पिक्चर में नहीं तो माँ मरी हुई नहीं तो शना यूज ही नहीं होती ना सेम वे सारेंगे का भी बदनाम हो गया था बाद में ओपिन साहब ने चेंज किया ना रोमांटिक गाने में भी सारेंगे यूज़ किया ना एक एक स्टैम्प पड़ जाता अपनी लाइन में ना कि इधर ये है ना ये है तो ये हो गया बस और प्रकर्शन में बताइए प्रकर्शन में Uh, भी सुनते हैं कि आपने uh, कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट instruments... नहीं मैंने नहीं मेरे डैडी ने दे बहुत कुछ किया ना वो ऑल लेटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट बाई डैडी ब्रॉड तो पहले बाई डैडी वॉज बारबेन एट टाच ऑल्सो म्यूजिशन ही वॉज प्लेइंग वॉट यू कॉल मिलिट्री ड्रम्स बेक पाइप नॉट फॉर अवर लाइन फॉर यू नो मार्च करके बजाते जाओ हॉबी के लिए सीखे हुए थे So then he was working in Taj Mahal also, just to listen to foreign musicians, and there the couple of bands came and all, and Latin American bands, and he learned from them, and he bought the instruments when they left. So beginning the instruments were introduced by Sri Ramchandra, when Daddy was playing with Chick Chocolate. So opposite the whole H M V that is at Philosopher's Road, there was one Hari uh, Asab getting old now, a Bristol Green.

There is that is different. There is, is, is much later on. तो हम ग्लोकन स्पिल. There is much later on. हम दोनों के तय हैं ना. हाँ हाँ. I am talking about when I started in the 50s. I am talking about. But this instrument is. This is glockenspiel. That is introduced by me. तो you just tell me. मेरी बात करने को मेरे को नहीं अच्छा लगता ना. हाँ. See that way, daddy told me that once I became started playing. He said why did you get this instrument? So I said what is this instrument? So he said it's used in Western classical orchestras. It's a German instrument, glockenspiel. And uh, we got it officially through here. That time import was alive, allowed. No, import. So we got it through a & Company and luckily that time this particular song was there. Or this Jairoji Ka Hamdo. With uh, the uh, musical lighter was a the theme. So throughout the picture that

I was learning piano side by side. No? Piano is very important for a western music student. So, I didn't want to play a piano, so I took up accordion. So, I was very popular in accordion playing also. No? Then, uh, mallet instruments like uh, xylophone, vibrophone, all those things. No? And then, uh, okay, electronic keyboards. First were organ. Then came synthesizer. The first synthesizer also I brought. Let's ask, around 73. It was introduced in America by Mr. Robert Moog. He's the first fellow who put a keyboard for a synthesizer. Otherwise, synthesizers are a huge thing. So that we got around 73, and that became quite popular. Then little later on, programming started. So programming also mostly drum programming, rhythm programming. I had started first. But that time, I'm idea was to augment the sound. sounds उसको इम्प्रूव करने के लिए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टच नाउ पीपल आर ट्राइंग टू रिप्लेस द साउंड वही गड़बड़ होता है कि डजन साउंड लाइक ओरिजिनल इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड अगर तो इन ये जो इलेक्ट्रॉनिक सीन के आने से पहले म्यूजिशियंस और पूरा एक म्यूजिक कल्चर की बात करें तो एक वो एक ग्रुप एफर्ट जैसी चीज़ हुआ करती थी

दैन यू नो विच इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट वट पार्ट यू हर प्लेंग इज इम्पोर्टेंट और वट पार्ट इज प्लेंग इज इम्पोर्टेंट इज लाइक प्लेंग इन सिम्पोनी ऑर्केस्ट्रा ना सिव यू हर प्लेड इन सिंपोनी ऑर्केस्ट्रा दट व्यू अंडस्टेड ऑल दट बट मोट ऑफ द म्यूजियन डोंट मोस्ट ऑफ द म्यूजियन ओली लर्न सम इंस्ट्रूमेंट टू प्ले फॉर फिल्म टू मेक मनी दैट्स ऑल लेकिन जब तक ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट आया तब तक आपने बजाना बिल्कुल बंद कर दिया नहीं नहीं मैं तो लाया इलेक्ट्रॉनिक मेरे को शूट करना चाहिए ना सब लोग मेरे को शूट करो। आप <laughs> <laughs> नहीं वो अब लोग लाने का हिसाब अलग था कि अगर नया साउंड निकालने के लिए नहीं तो रिप्लेस साउंड ना। एक्चुअली <laughs> वही रिक्वेस्ट वही है कि हम ये देख रहे हैं कि म्यूजिक हम गाना सुनते रहते हैं लेकिन जो डिस्टिंक्ट जो साउंड कंट्रीब्यूशन है yeah. उसके बारे में हम बहुत नहीं जान पाते ये आ, ये कैसे हम जाने और ये क्यों नहीं जान पाए अब तक ये वाला भी एक इशू है हमारे पास कि हम म्यूज़िक को एसोसिएटेड हमेशा रखते हैं सिंगर के साथ डेरेसिस्ट के साथ या म्यूज़िक कंपोजर के साथ लेकिन बाकी जो अकॉम्पन हैं म्यूजिशियंस हैं अरेंजर्स हैं या पर एक जमाने में कौन खाली स्टार्स को पहचान जा रहा प्रोड्यूसर उसको बालो भी नहीं प्रोड्यूसर कौन है डायरेक्टर कौन है स्टार सिंगर्स दे आर मोर पॉपुलर दैन म्यूज़िक डायरेक्टर आता था जाता था पॉपुलरिटी हम लोग तो बहुत पीछे है पब्लिक <laughs> को तो एक समझ चाहिए ना इवन ऑल टी वी चैनल एक दिखा दिया एक स्टार तो हो गया, हो गया। still, crazy, ना? जब आपने शुरू किया था उस जमाने में एक गाना बनने में कितना टाइम लग जाता होगा गाना बनने में मुझे नहीं मालूम बिकॉज नॉट कनेक्टेड विद ना बट mm -hmm. सेट पे आने के बाद रेडी होने के बाद सेट पे मैक्सिमम फोर आवर्स टू सिक्स सेवन आवर्स बस मैक्सिमम बिगेस्ट सॉन्ग मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग लाइक अस्तम अस्तम के अगर तुम जो मिल गया हो मैंने अरेंज किया था दैट सॉन्ग विदिन फोर आवर्स लिटल मोर देन फोर आवर्स पैकअप हो गया फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच नो रिहर्सल नथिंग ऑन द सेट एवरीथिंग एंड डिफिकल्ट सॉन्ग और इस तरह से uh, कोई बहुत चैलेंजिंग uh, कंपोजिशन uh, जो आपको लगा हो कि हाँ, इसको करके मजा यही था ना यही गाना मेरा मेरा लाइफ अरेंजमेंट में और ऐसा कोई गाना है जो बिल्कुल आपने आपके लिए वो एक लेफ्ट हैंड का काम था और बड़े आराम से आपने कर दिया नहीं कोई भी गाना लेफ्ट हैंड का काम नहीं होता ना वेरी कॉन्शियस इन योर वर्क नाट्स नहीं तो यू कम टू मी ना सीधी <laughs> <laughs> बात है ना आपने कहा कि आपने तीन चार जो अर्ली म्यूजिशियंस थे उनके अलावा आपने बाकी सारे म्यूजिशिय म्यूजिक मुझी डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया या, तीन, के, तीन तीन डायरेक्टर विश्वास कुछ कुछ आपको उनके बारे में मेमरीज हों मतलब कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग उनके काम करने के स्टाइल को लेकर नहीं काम मैं तो सबके फनी पॉइंट देखता हूँ ना जब भी अनिला के साथ काम करता था तभी मनोरी बॉम्बे में नहीं आया था तो बाद में मनोहरी बॉम्बे आ गया दिल्ली से सली आया था ना और फर्स्ट मीटिंग में मनोरी के साथ ऐसा लगा कि बहुत अच्छा म्यूजियन तो हम लोग के बहुत जेल होने लगा वीर टू तो गो बहुत तो जैम सेशन करने के लिए संडे संडे फ्री ना तो वीर टू तो गो टू तो द तो क्लब फॉर जैमिंग एंड ऑल तो मैंने ऐसा अनिल को बोला कि अरे बहुत अच्छा फ्लूटिस्ट आया कलकत्ता से ही प्लेज वेरी गुड जैज़ फ्लूट तो खाली मैंने मिस्टेक किया कि जैज़ फ्लूट बोला ना तो नेक्स्ट एक में बुलाया अनिल्ला ने और मनोरी की एंट्री हुई तो दादा पूछ रहे हैं हे hey, मनोरी इन बेगोली यू ब्रॉट योर जैज़ फ्लूट तो मनोरी मेरा मुँह देख रहे हैं मैं उनका मुँह देख रहा हूँ अभी क्या बोलेंगे लेंगे थॉट इट वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूट जेज तो हम तो लोग दौरा ये सब एक दाना ज्यादा धूनते हैं ना पर अदरवाइज़ अनिल फैंटास्टिक ना क्या काम किया बाप कियापरे एवरीबडी ना एवरी ऐसे एक थे उस जमाने में कोई भी गाना आप सुनिए चार बार म्यूजिक सुनिए खाली गाना भी नहीं आप बोलेंगे ये म्यूजिक डायरेक्टर का गाना है इतनी अच्छी आइडेंटिटी थी अभी वो आइडेंटिटी मिसिंग है ना अभी कोई भी सलग तो बोलता कोई रिमिक्स गाना चल रहा है ऐसा लग रहा है ना सब गाने पर भाई मैं, अभी मैंने बताया ना आपको कि मेरी हॉबी क्या है पिक्चर जाके देखता हूँ इन द थिएटर तो आज दो तीन साल से कुछ 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 इम्प्रूवमेंट हो रही म्यूजिक में आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ना कुछ चिक चॉकलेट के बारे में आपकी मेमरीज चिकॉक वहीं बहुत छोटा था मेरे को खाली चिक चॉकलेट के साथ एक याद है तो जब भी डैडी बजाते थे, थे ताज में तो वहीं साथ में जा रहा था साथ में ले ही जाता थे डैडी तो वहीं चॉकलेट आइसक्रीम खा जाता वो सिल्वर बोल में देते थे वो मेरे को याद है क्रिस्पैरी के बारे में कुछ याद आ क्रिसपैरी तो बहुत बाद में आया ना ठीक है क्रिस्पैरी तो मोस्टली क्लब में था बाद में खाया उनके साथ काम किया थोड़ा और फ्रैंक फर्नांडिस के बारे oh, में फ्रैंक फर्नांडिस फेंटेस्टिक तीनों ट्रम्पेट प्लेयर है सीनियर मोस्ट चिक चॉकलेट फ्रेंकी फ्रैंक आल्सो सीनियर मोस्ट बट चिक वाज लाइक लुई आर्मस्ट्रांग डिफरेंट स्टाइल हॉट स्टाइल फ्रेंकी वाज कूल स्टाइल कूल मींस लाइक माइल्स डेविस दैट टाइम एंड क्रिस पेरी एवरीथिंग फिर हम यह भी देखते हैं कि जैसे टोनी वाज Uh, जैसे खुद दत्ताराम कुछ ऐसे नॉन म्यूजिशियंस और म्यूजिक कंपोजर्स अरेंजर्स वो अपने ज़िंदगी के आखिरी बरसों में कुछ डिप्रेशन कुछ थोड़ा सा शिकायत के साथ टोनी वास के बारे में तो ये भी दिनेश जी ने बताया कि वो ऑलमोस्ट इनवैलिड uh, uh, no, uh, था लास्ट तो uh, लेकिन uh, ये क्या uh, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करता है या नहीं टोनी तो मैं कब से पहचानता हूँ तभी वो बेस डबल बेस बजाता था क्लब में आई थिंक ही वाज प्लेइंग विद क्रिस के साथ आई एम नॉट था और क्रिस के साथ नहीं तो जॉनी बेप्ट जॉनी और यह सब नाम भूल जाता हूँ ना दूसरा एक जॉनी करके सेक्स प्लेयर था उनके साथ डबल बेस बजा रहा था बाद में कर्बर्डेड टू बेस गिटार टोनी so, वॉज वेरी पॉपुलर विथ ऑल माई वर्क टोनी एस टो तो भी देर ना एंड लाइक सेम वे ना, देन दूसरा क्या नाम बोला आपने uh, दत्ताराम ah, दत्ताराम इधर रहता था इधर से फाइव मिनट्स वॉक पर यू संग से एसिस्टेंट ऑल्सो एंड बहुत टेंशन हो गया था ना, ना लास्ट में दत्ताराम को म्यूजिक पिक्चर भी मिली थी दो तीन पिक्चर वहाँ से जाना कर शुरू हो गया था कुछ कुछ पता नहीं क्या बोल नहीं सकते कुछ हुआ था कुछ दे वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक बॉयकॉट एड ना देन यू वैट बैक टू गोवा ना जोशी साहब ने बनाए ना इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे बनाए ना नहीं तो क्या इसमें गोवन नॉन गोवन ऐसा कुछ कोई ना 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 नथिंग लाइक ही इज मोर गोवन इज देन अस ना नॉन गोवन नॉन गोवन नहीं एंड सी नाउ एज आई सेड बिफोर ना इफ यू लाइक योर वर्क कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला कैन यू मेक आउट आई एम नाइन सेवेंटी

रात को डेढ़ बजे फ़ोन करेगा ये भी भाई क्लोज बाय रहता रह जाता था खार ना तो डेढ़ बजे फ़ोन करेगा अरे कैसे तू सोया हुआ है मैं बोला नहीं अभी उठ गया बोल क्या है मैं अभी आ रहा हूँ तो अपना स्कॉच बॉटल दो ग्लास लेके आ गया गाड़ी में फिर अ, मेरे को ऐसा कुछ साउंड करे मुझसे साउंड इफेक्ट करके बोलेगा ये कुछ है तो मैं बोलूँगा अरे पंचम एक ऐसा अभी तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तो ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है तो बोला तुमको क्यों रखा है सात दिन के अंदर गया ना मेरे को एक साउंड चाहिए तो ऐसा लाइक दिस चैलेंजिंग जॉब आई इज़ टू लाइक इट ना सेम चीज़ हो गई वो वापस सेम करने में मेरे को मजा भी नहीं आती थी ना एवरी टाइम न्यू चैलेंज आई इज़ टू एंजॉय ना देट्स आई फील सॉरी कि अभी भी पीपल टॉक अबाउट चालीस साल पहले म्यूजिक वही अब कॉन्सर्ट हो रहा है चालीस साल के बाद म्यूज़िक का क्या होने वाला वो कोई नहीं सोच रहा अभी तक अभी इतना अभी पंजाब का सेवेंटी फिफ्थ बर्थडे हुआ था इतना शोज हो रहा है पर म्यूज़िक का होने वाला आगे वो कोई नहीं सोच रहा अभी भी क्या होने वाला है आपके साथ अभी अभी दो, दो तीन साल से तो देख रहा हूँ थोड़ा चेंज हो रहा है ना पर कि एक पिक्चर बनाने के लिए एक एक दो एक दो पार्टी में बहुत लोग इन्वॉल्व होते ना ठीक है थैंक यू सर माय प्लेजर इस मुलाकात के दो साल बाद 16 अक्टूबर 2016 को केर्सी लॉर्ड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया